وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله مولانا العظيم. सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 6, 7 और 8 आपके सामने तिलावत की गई। कुरान हकीम साबिका उम्मतों के वाकयात और अंबिया की नसीहतों और अफराद के किरदारों से भरा हुआ है। ये एक ऐसी किताब है कि जिसका एक एक जुमला इंसानी ज़िंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए कारामद हो जाता है अगर उस पर गौर किया जाए, और अगर उस पर गौर न किया जाए, उस पर नसीहत हासिल न की जाए, तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी की तारीकियों में उम्र भर भटकता रहता है। अफराद भी और कौमें भी मुसलसल खराबी और तबाही का रास्ता इख्तियार करती रहती हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर अपनी खुसूसी रहमत का जो इजहार किया है, वो अपने नबियों और अपनी किताबों की भेजने की सूरत में किया है। और वो उन नेमतों के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत है कि जिन नेमतों को हम बज़ाहिर नेमतें समझते हैं, लेकिन अगर कदर व कीमत के एतबार से मुकाबला किया जाए तो अल्लाह की नबी और अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत वो अपनी कदर व कीमत के एतबार से उन मादी नेमतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो हमें मालो मता की सूरत में, औलाद की सूरत में, मनसब की सूरत में, या दुनिया में कुछ थोड़ी बहुत इज्जत और रुतबे की सूरत में मिलती रहती हैं। और अल्लाह इन दोनों ही का जिक्र करता रहता है। आज की इन तीन आयात में रब्बे ज़ुलजलाल ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए हमें एक बात समझाई है, और वो ये है कि इस क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक बार ये कहा, उस्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की है। इज़ अंजाकुम मिन आल फिरऔन, याद करो उस वक्त को कि जब फिरौन और उसके लश्करी, फिरौन और उसकी फौजें, फिरौन और उसके कारिंदे तुम्हारे लिए अजाब बन चुके थे, उन्होंने तुम्हारा जीना दूभर कर दिया था, हर तरह की मुसीबतें तुम पर उसने तोड़ दी थीं। यसूमूनकुम सू अल अजाब, बहुत ही बुरे तरीके से फिरौन और उसके कारिंदों ने तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया था, और फिरौन और उसके लश्करियों की मुसीबतें इस कदर ज़्यादा बढ़ गईं कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। वयुज़बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबह करने लगे। वयस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखने लगे
यानी सिर्फ तुम्हारी कौम में औरतें ही बच गईं, जहां कहीं कोई बेटा पैदा होता उसको ज़िबह कर दिया जाता। यकीनन ये मुसीबत और अजाब की एक इंतहाई जालिमाना शक्ल है। इस पर आदमी जितना गौर करता चला जाए उतना ही उसे इतनी इसकी शिद्दत का एहसास होगा। और अगर हम फिरौन और उसके लश्करियों की मुसीबतों को अपनी मुसीबतों के मुकाबले में खड़ा करें तो हम पर तो कोई मुसीबत नहीं टूटी उस तरह की। हम तो अभी तक ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस मरहले से वो कौम गुजरी बनी इसराइल की, अगर उसका एक मामूली सा हिस्सा भी हमें पहुंच जाता तो न जाने हमारे ईमान का क्या हाल होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़करा करते हुए उनकी कौम पर टूटी हुई मुसीबतों का जिक्र इस वजह से किया ताकि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जाए कि तुम भी अगर किसी मौके पर किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ और फिर अल्लाह अपनी ख़ास मेहरबानी से तुम्हें उस मुसीबत से नजात दे दे तो तुम्हें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, उस नेमत को अपने जहन में बिठाते हुए उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। वफी ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को याद दिलाया कि जब वह फिरौन के लश्कर से महफूज हो गए, फिरौन गर्क हो गया, उसकी सत्वत ख़त्म हो गई, बनी इसराइल को इज्जत और कुदरत मिल गई और फिर उन्होंने खराबियां करना शुरू कर दी, अल्लाह की नाफरमानियां करना शुरू कर दी, बददियानती और दगाबाजियां करना शुरू कर दी, एक दूसरे के खिलाफ फितने और फसाद खड़े करना शुरू कर दिए, आपस में मिलकर रहने के बजाय कबीलों में बट गए, तफरकों में बट गए, अल्लाह के सामने सर झुकाने के बजाय बछड़ा बनाकर उसके सामने सर झुकाने लगे, हया और इज्जत की ज़िंदगी पसंद करने के बजाय बेहयाई और बेइज्जती की ज़िंदगी पर राज़ी होने लगे। उस मौके पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझाते हैं क्या मेरी कौम, याद करो उस वक्त को कि जब फिरौन और उसके कारिंदे तुम पर इस तरह के अजाब उंडेल रहे थे, इस तरीके से तुम्हें मुसीबत में गिरफ्तार कर रखा था, हत्ता कि तुम अपने बच्चों से महरूम हो रहे थे, तुम्हारी औरतें बड़ी होकर माशरे में परेशानी का शिकार हो रही थीं, तो तुम्हें उस फिरौन के लश्कर से किसने बचाया था। यकीनन जवाब एक ही था, इसके सिवा कोई दूसरा जवाब बन नहीं सकता, अल्लाह ही ने बचाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाकर याद दिला रहे हैं कि ऐ लोगों, जिसने तुम्हें उस बड़ी मुसीबत से बचाया था तो तुम उसका शुक्र क्यों नहीं बजा ला रहे, तुम उसको याद क्यों नहीं कर रहे, तुम उससे मुंह क्यों मोड़ रहे हो। बात मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है लेकिन समझाया बनी इसराइल को नहीं जा रहा, समझाया हमें जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को समझाया जा रहा है। और हर दौर में जब भी ये आयत पढ़ी जाएगी तो इसके मुखातब वो होंगे जो इस आयत को पढ़ रहे होंगे, और ये आयतें उनसे बात करेगी कि जो इन आयात को सुन रहे होंगे। गोया कि ये आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है इसका खिताब न जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है न बनी इसराइल के साथ है, बल्कि ये हमसे बात कर रही है, अल्लाह ताला हमसे इन आयात के ज़रिए से गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ अब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हटाकर जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाम लिख दें तो गोया मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हमें ये बता रहे हैं कि मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मत, ऐ पाकिस्तान के रहने वालों, ऐ बरसग़ीर के रहने वालों, ऐ आलम इस्लाम के रहने वालों, याद करो उस वक्त कि जब तुम्हें फिरौन नुमा कुव्वतों ने, हुकूमतों ने,
زیر کر لیا تھا، عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، تمہاری زمین چھین لی تھی، تمہارے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور طرح طرح کی مصیبتیں تم پر انڈیلی جا چکی تھیں، اور تم غلامی کی زندگی، بے عزتی کی زندگی، پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو تمہیں کس نے نجات دی تھی؟ یاد کرو تم، کس نے اسباب مہیا کیے تھے کہ جن کی وجہ سے تم اس فرعونی قوت سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وہ جملہ کہا جو آپ نے سینکڑوں بار سنا اور میں نے سینکڑوں بار پڑھا اور میں نے بھی اس کو سینکڑوں بار سنا، اور وہ جملہ ہی اصل جملہ ہے، اس کو ہر دور میں ہر روز نئے انداز میں سوچنا چاہیے اور نئے انداز اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کیا تھا، بتایا تھا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اگر تم نے میری نعمت کا شکرانہ ادا کیا، میرا اعتبار کیا، مجھے یاد رکھا، تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اس کے مقابلے میں ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تو یاد کر لو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب بہت سخت ہے۔